Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे भारत के तटों को प्रभावित करने वाले कुछ साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि ओडिशा के तट को जो प्रभावित करने वाला साइक्लोन तितली है उसका नामकरण किसने किया? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं, वीडियो के बीच में हम आपको इसका जवाब ज़रूर दे देंगे। तो आइए बढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है साइक्लोन। साइक्लोन या चक्रवात रोटेटिंग विंड्स को कहा जाता है। साइक्लोन हवा और पानी की मेल से बनी हुई एक सर्कुलर शक्तिशाली और तेज आकृति है। इसके सेंटर की तरफ बहुत कम एयर प्रेशर होता है और उसकी बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर होता है। इसके कारण हवा और पानी सेंटर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से एक घूमती हुई आकृति बन जाती है। साइक्लोन का आकार इंग्लिश के लेटर वी की तरह होता है। सदर्न नेशंस में साइक्लोन्स की मूवमेंट क्लॉकवाइज होती है, लेकिन भारत जो कि नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है इसीलिए यहाँ के साइक्लोन्स की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है। साइक्लोन्स को हरिकेन्स, टाइफून्स या टोर्नेडोज के नाम से भी जाना जाता है। सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पर साइक्लोन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन्स। भारत में आने वाले साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। मोस्टली भारत में आने वाले साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल से उत्पन्न होते हैं और वो पूर्व से पश्चिम की तरफ गतिशील होते हैं। पश्चिम में गतिशील होने के बाद वे पूर्वी चट्टानों से टकराते हैं और चट्टानों से टकराने के कारण वर्षा हो जाती है। अब आइए जाने साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। तूफानों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। इंडियन ओशन के 8 देशों ने मिलकर भारत की पहल पर 2004 से साइक्लोन के नाम रखने की शुरुआत की। इन देशों में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। हर देश अपनी अपनी बारी आने पर साइक्लोन्स के नाम डिसाइड करते हैं। इस बार के तितली साइक्लोन का नाम पाकिस्तान ने सुझाया था। इससे पहले ओमान की बारी थी जिसमें ओमान ने हुड़हुड़ ये नाम सुझाया था। अभी तक 64 साइक्लोन्स के नाम की लिस्ट बन चुकी है। साइक्लोन तितली के बाद आने वाला जो साइक्लोन है उसका नाम गाजा रखा जाएगा, जो कि बांग्लादेश रखेगा। अब आइए जानते हैं भारत के तट को प्रभावित करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोन तितली के बारे में। इस साल बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में काफ़ी बड़े साइक्लोन्स बन रहे हैं। उसमें से एक है साइक्लोन तितली, जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है। इस साइक्लोन ने सबसे ज़्यादा ओडिशा स्टेट को अफेक्ट किया है। ओडिशा स्टेट ने बहुत पहले भी डेडली साइक्लोन्स को फेस किया है। तितली की स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा बताई जा रही है। इसकी वजह से कोस्टल एरिया में रहने वाले करीब करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। ओडिशा के कई इलाकों में इस तूफान की वजह से रेड अलर्ट भी घोषित किया हुआ है। 1999 में आया हुआ ओडिशा का साइक्लोन भारत का अब तक का सबसे तेज साइक्लोन माना जाता है। इस साइक्लोन की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही थी और इसका विंड प्रेशर 912 मिलीबार से भी ज़्यादा बताया जा रहा था। इस साइक्लोन की वजह से 15,000 लोगों की जान गई और हजारों लोग बेघर हो गए। अब बात करते हैं साइक्लोन ओखी के बारे में। साइक्लोन ओखी 2017 में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला साइक्लोन रहा। ये साइक्लोन अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था और इस वजह से केरला, तमिलनाडु और गुजरात स्टेट को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस साइक्लोन की स्पीड 155 किलोमीटर पर आवर बताई गई और इस वजह से करोड़ों का नुकसान भी हुआ। वर्दा साइक्लोन 12 दिसंबर 2016 को बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ वर्दा साइक्लोन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया। इस साइक्लोन का नाम पाकिस्तान ने रखा था, जिसका मतलब होता है लाल गुलाब। इसकी विंड स्पीड थी 90 से लेकर के 110 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन हुड नॉर्थ इंडियन ओशन में उठने वाला वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट साइक्लोन्स था। ये नाम ओमान ने हुड नामक एक पक्षी के ऊपर रखा था। साइक्लोन हुड की विंड स्पीड 215 किलोमीटर पर आवर बताई गई थी। इस साइक्लोन की वजह से 124 लोगों की जाने गई और दिल्ली, विशाखापट्टनम, छत्तीसगढ़, यूपी जैसे इलाकों में भी इस साइक्लोन का प्रभाव पड़ा। इसकी विंड स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही थी, जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुई थी। तो ये थी भारत के तटीय इलाकों पर अफेक्ट करने वाले साइक्लोन्स की पूरी सूची। ये वीडियो आपको कैसा लगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेस्टबुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।